गणानां त्वा गणपतिं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे, वशो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम। ओम शांति शांति शांति। उस ईश्वर का हम सभी मिलकर के नमन करते हैं जिसकी अनुकंपा से विविध दुरताओं में हम लोग रहते हुए भी आर्य संस्कृति आर्य संस्कृति के प्रचार प्रसार में कटिबद्ध हैं। और आप सभी लोगों को वेद संस्थान के इस मंच से ढेर सारे सारी शुभकामनाएं, ढेर सारे अभिवादन। और मैं इस कार्यक्रम को खूबसूरत प्रदान करने के लिए मैडम शशि जी से निवेदन करता हूं कि आगे के कार्यभार वो संभालें और आचार्य जी का परिचय दें, विषय से अवगत कराएं और पुनश्च धन्यवाद भी मैडम जी करें। तो शशि मैडम जी, आप अब अपना कार्यभार ग्रहण करें। ओम धन्यवाद। आप सब लोगों को नमस्कार। वेद संस्थान द्वारा आयोजित स्वामी विद्यानंद विदेह जयंती का एक 4 दिनों का कार्यक्रम है, जिसका आज तीसरा दिन है, जिसमें विशेष व्याख्यान रखा गया है प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री जी का। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपने तीसरे दिन भी एक अच्छे वक्ता को यहाँ पर उपस्थित किया है, और अभी एक शायद चौथा दिन कल और है, इसका समाप्त या संपन्नता प्राप्त होगी। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री जी का यहाँ पर आप सबको, सभा में उपस्थित जितने भी विद्वान है, उनको परिचय कराना चाहती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा वेद संस्थान का भी परिचय देना चाहती थी। यहाँ पर जो स्वामी विद्यानंद विदेह जी, जिनका जयंती उत्सव हो रहा है, वो इसके फाउंडर रहे। उनके बेटे अभय देव शर्मा जी थे, जो बहुत वर्षों तक जिन्होंने वेद संस्थान का निदेशक पद संभाला और निर्देशन भी दिया। और अब श्री प्रद्युम्न शर्मा जी इसके अध्यक्ष हैं और बहुत अच्छे से सब कार्य सुसंपन्न हो रहे हैं। और निदेशक के रूप में डॉक्टर देव कृष्ण दास जी यहाँ पर कार्यभार संभाला हुआ है। वैदिक मंगलाचरण सुन रहे थे। और एक शोध विभाग है जिसकी अध्यक्षा के रूप में डॉक्टर उर्मिल रुस्तगी जी हैं, जो कि अभी आ जाएंगी थोड़ी देर में, आज मेरे ख्याल से आ जाएंगी। प्रद्युम्न जी यहाँ पर आ चुके हैं। तो आप सब लोगों के सानिध्य, जितने भी उपस्थित पर श्रोता गण है, वो भी बहुत जासू विद्वान है और विदुषिया है और वेद के प्रति निष्ठा रखते हैं, श्रुति परंपरा में विश्वास रखते हैं। तो ऐसे सारे ये सभासदों के बीच में मैं यहाँ पर विशेष वक्ता के रूप में उपस्थित हुई। प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री जी का आप परिचय कराना चाहती हूँ। प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री जी, जिनको लगभग मैं 22-25 वर्षों से जान रही हूँ। पहले तो बहुत छोटे हुआ करते थे शशि जी, और माइक वालों के बंद करवा दीजिए, माइक कुछ खुले हुए हैं, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, तो क्लियर फिर सुनाई नहीं आ रहा है। तो दिनेश चंद्र शास्त्री जी को मैंने तब से जान रही हूँ, 20-22 वर्ष के थे और लेक्चरर या ऐसे कुछ होते थे, मगर वेद विभाग में ही थे। और वो वेद विभाग के मुझे कमरे भी सब याद हैं। गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी जो है, वो बहुत एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है हमारे देश की, हरिद्वार में है और वेद के अध्ययन के लिए समर्पित है। वैसे वहां सब कुछ है, साइंस भी है, मेडिकल भी है, इंजीनियरिंग भी है। तो आप उसके वेद विभाग के अध्यक्ष हैं, लगभग 7-8 वर्ष हो चुके आपको, और बड़े गरिमा में लोगों ने उस पद को संभाला हुआ है।
और विद्वत्ता की आप में भी विकास हो रहा है, जैसे जैसे आपके पद का विकास हो रहा है, आपकी अवस्था आयु का विकास हो रहा है। आपने बड़े उच्च कोटि के कुछ ग्रंथ लिखे हैं, जैसे वेद मीमांसा है, वेद के उपमा उपमा कोश है, यज्ञ के ऊपर आपने एक पूरी मीमांसा ग्रंथ लिखा, और डीलिट भी किया हुआ है जो कि बहुत कम लोग कर पाते हैं। और एक 7-8 वर्षों से आप एक इंटरनेशनल जर्नल निकाल रहे हैं जिसके आप मुख्य संपादक हैं, मुख्य एडिटर हैं। इंटरनेशनल है इसलिए क्योंकि उसमें तीनों माध्यमों से शोध पत्र प्रकाशित होते हैं, संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी, और अंतरराष्ट्रीय विद्वान भी उसमें अपने पेपर भेजते हैं। तो ये यूजीसी से भी अप्रूव जर्नल है। तो आप ऐसे महती कार्यों में लगे हुए हैं, ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। वेव्स के आप सौजन्य से भी कुछ कार्यक्रम करते रहे हैं, तो इन्हीं सब थोड़े से परिचय के बाद आपके आपने जो विषय लिया है वो है वेदों में पशु हिंसा और मांसाहार की, शायद समालोचना या समीक्षा आप करेंगे, जो भी है बहुत उत्सुकता उत्पन्न हो रही है कि इस विषय पर क्या और कैसे प्रतिपादन किया जाएगा। तो मैं इन्हीं संक्षिप्त शब्दों के साथ आपका स्वागत करती हूँ और आपको वक्तव्य के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ, प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री जी। आपका माइक खोलना पड़ेगा, माइक आपका बंद है, माइक खोलना पड़ेगा, माइक बंद है। नमो ब्रह्मण नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतो तद्वक्तारमवतो अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। वेद संस्थान दिल्ली के इस समारोह में, जो समारोह स्वामी विद्यानंद विधेय जी के 121वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सब मना रहे हैं, ऐसे आज के इस सत्र का जो संयोजन कर रही हैं वेद की विदुषी बहिन वेदश्री डॉक्टर शशि तिवारी जी और इस संस्थान के अधिकारी प्रद्युम्न शर्मा जी और इसके डायरेक्टर भाई आचार्य दास जी और इस वेद संस्थान के अंतर्गत चलने वाले शोध संस्थान के को जो देख रही हैं मेरी बड़ी बहन उर्मिल रुस्तगी जी और एक वैदिक मिशनरी के तौर पर सबको जोड़ने में जो अहर्निश लगे रहते हैं, ऐसे श्री बाधवा जी और सभी श्रोतृवृंद जो इसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसके साथ जुड़े हुए हैं और विधेय जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं अपने वक्तृत्व के माध्यम से और दूसरों की वक्तृता के माध्यम से जो अपनी जान में वृद्धि कर रही हैं, ऐसे में सभी बहनों को भाइयों को और अपने शिष्य जो भी कहीं जुड़े हुए हैं सबको मैं नमन करता हुआ मैं ये थोड़ा कहना चाहूंगा कि वेद संस्थान के साथ में मेरा जुड़ाव बहुत पुराना है। सन 1987-88 से मैं वेद संस्थान से परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ हूं। जब डॉक्टर फतेह सिंह जी यहाँ थे और फतेह सिंह जी ने यहाँ के शोध संस्थान को शोभायमान किया था और बड़े अच्छे अच्छे ग्रंथ यहाँ से निकाले थे, उनके सारे साहित्य का मैं पाठक हूँ और उनको गुरु के रूप में मैं स्वीकार करता हूँ। मैं वेद के विषय में बहुत सारे लोगों को मैंने पढ़ा हुआ है, ये मैं नहीं कहता कि मैं कोई विद्वान हूं, लेकिन एक विद्यार्थी के तौर पर मैं अपने को देखता हूं, तो उसमें डॉक्टर फतेह सिंह का नाम बहुत ऊपर है।
उनका जितना साहित्य है, चाहे उन्होंने सविता के माध्यम से लेख लिखे हों, चाहे पुस्तकों के माध्यम से लिखे हों, छोटे छोटे ग्रंथ भी लिखे हैं, बृहद राष्ट्रम संवेश्यम उनका बहुत प्रसिद्ध एक छोटा सा ग्रंथ है, और वो सभी को पढ़ने के लिए वो मिलना चाहिए। ऐसी मेरी प्रार्थना है कि संस्थान के लोग उस पुस्तक को पुनः छपवाएं और विद्यालयों में ही उसको जरूर वितरित करवाएं। जितने डीएवी स्कूल हैं उन डीएवी स्कूलों में करवाएंगे तो और भी बहुत फायदा मिलेगा। जो ये मैं थोड़ा निवेदन है, विदेह जी के साहित्य को मैं पढ़ता हूँ और अपने जीवन में उसका अनुसरण करने की कोशिश भी करता हूँ। उन्होंने जो ओंकार उपासना लिखी है, मैं उसको बहुत श्रद्धा से सैकड़ों बार मैं उसको पढ़ चुका हूँ। जितनी बार पढ़ता हूँ उतनी बार उसमें से नई नई चीजें मुझको प्राप्त होती हैं। इसलिए मैं अपने वक्तृता से पहले मैं विद्यानंद विदेह जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरा आज का विषय, जो कि भाई दास जी ने कई बार संशोधन करके और अंत में इसको बाधवा जी के परामर्श से शुद्ध किया है, वेदों में मांसार एवं पशु हिंसा की भ्रांतियां और सच्चाइयां। मैंने ये जो तैयार किया था वेद और मांस के नाम से किया था, और इसमें ये सारी बातें अपने आप आ जाती हैं। सज्जनों, वेद पशुओं के दो पैर वाले प्राणियों के और चार पैर वाले प्राणियों के मारने का आदेश नहीं देता, और मांस हमको जो प्राप्त होगा तो वो हिंसा करके ही प्राप्त होगा। वेद के अनेकों स्थलों पर पशु हिंसा के निषेध अर्थात जो विधि निषेध वाचक जो वचन वैदिक संहिताओं में प्राप्त होते हैं उनके आधार पर और पशु रक्षा के विधान का भाव सैकड़ों मंत्रों में पाया जाता है। कतिपय मंत्र हैं, जैसे यजुर्वेद का पहला मंत्र है यजमानस्य पशून पाही, ये यजुर्वेद का पहला मंत्र है। ऊर्जम नो देहि द्विपदे चतुष्पदे द्विपाद चतुष्पाद अस्माकं सर्वम अस्तु द्विपाद अव चतुष्पाद पाही यथाने सर्वमित जगत अयक्ष्मम असत समसद द्विपदे चतुष्पदे यदि नो गाम हंसी यद्यस्वम यदि पुरुषम तंत्वा शीसेन विद्याम यथानो असु अवीरहा मा हिंसी अदिति विराजम मा गाम अनागाम अदितिम वधिष्ठ। ये इस तरह से मैंने कुछ वैदिक वचन प्रस्तुत किए जिनका मतलब ये है कि वेद में दो पैर वाले प्राणियों की और चार पैर वाले प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए। इनमें कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनमें मांसाहारी को दंड देने का भी विधान है। ऋग्वेद का है यदि नो गाम हंसी यद्यस्वम यदि पुरुषम तंत्वा शीशेन विद्यामा। आर्य समाज के क्षेत्र में प्राय लेखकों ने शीशे की गोली का प्रयोग किया है। तंत्वा शीशेन विद्यामा का मतलब क्या, शीशे की गोली से उस व्यक्ति को बींद देना चाहिए। जो है ये इतनी कठोर पनिशमेंट इस मंत्र के अंतर्गत आई है। जो ये यद्यपि वेदों के अनेक सुभाषित ऐसे हैं जिनमें मांस भोजन न करना चाहिए ऐसा स्पष्ट उल्लेख है, फिर भी कुछ मंत्र हैं जिनको मैं उल्लिखित करना चाहता हूं। जैसे लाजीन छाचीन यव्ये गव्ये एतद अन्नमत्ता देवा एतद अन्नम अधि प्रजापति, ये अथर्वेद का मंत्र है कि अर्थात लाजाओं को सत्तुओं को जौ से बने पदार्थों को गो के दूध दही मक्खन तथा इसके दूध के बने अन्य पदार्थों को, इसको वेद ने कहा एतत अन्नम, इस तथा इस प्रकार के अन्न को अर्थात वानस्पतिक तथा दूध और उसके दूध के जो विकार रूप है जैसे दही है खीर है या और भी जितनी भी चीजें दूध से बन सकती हैं विकार रूप में, उनको उस अन्न को ही हे देवो हे डिवाइन पावर में रहने वाले लोगों, मनुष्य को जो कहा है वहां देव कहा है कि तुम खाया करो, हे गृहस्थियो तुम भी ऐसे ही अन्न का सेवन किया करो। जो है ये मंत्र के अंदर स्पष्ट विधान है। कृषि कर्म में गाय के महत्व को समझते हुए गाय को अग्निया कहा गया, गाय को अदिति कहा गया और गाय को माता कहा गया।
और तथा भोग्य के रूप में गो का मांस ही नहीं अपितु पशु मांस का भी सर्वथा निषेध है। जो लोग गाय को मारते हैं और तरह तरह के तरीकों से इस पे यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, वो अपने 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 आने वाली पीढ़ी का नाश करना चाहते हैं जो ये, और वो नाश कैसे कर रही है ये आज का ह्यूमन बीइंग। ये डॉक्टर बजाज ने जो दिल्ली विश्वविद्यालय के फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुआ करते थे, जो पृथ्वी पर भूकंप की जो फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, उन्होंने जो अपनी रिसर्च में सिद्ध किया है, उस रिसर्च को पूरी दुनिया ने आज स्वीकार किया है। ये सब मांसाहार के कारण है और सबसे ज्यादा गऊओं को मारने के कारण है। जब वेद ने गऊओं को तो अग्निया कहा, अग्निया का मतलब होता है जो मारी नहीं जाती, इसके साथ में और भी पशुओं को न मारने के लिए जो है वेद ने स्पष्ट जो है आदेश किया है। और फिर वेद कहता है, यह पौरुषेन क्रविशा समंते यो अश्वेन पशुना यातु धाना यो अग्नियाया भरति क्षीरमग्ने तेषां शीर्षानि हर्षापि वृश्च। कि इसमें ये कहा कि जो गौ को काटता है उसके मांस को खाना और गौओं की संख्या को कम करके उसके दूध में क्षति पहुंचाना, ये सारा वेद विरुद्ध कर्म है। क्रूरम अस्य आशंसनम त्रिष्टम पृष्ठमस्यते क्षीरम यदस्या पियते तद्वै पितृषु किल्बिषम्। अर्थात इतना घृणित कर्म बताया गया है पशु गाय आदि पशुओं को मारना कि स्पष्ट आदेश है। कि कहते हैं कि फिर भी कुछ लोग ये कहते हैं कि वेद में मांसाहार की विधि लिखी हुई है या निषेध है, इस संबंध में विद्वानों में प्राय है विवाद चला आया है। मेरी ये बात समझ में नहीं आती। दक्षिण भारत के विद्वान और उत्तर भारत के विद्वान, जब से आर्य समाज की विचारधारा ने जन्म लिया है, उन्होंने तो स्पष्ट इसका विरोध किया है और सब प्रमाण विरोध किया है और अपनी बात को पुष्ट किया है और बहुत से क्षेत्रों में उनकी बात को माना भी गया है, फिर भी अभी भी लोग मानते नहीं है। यदि वेदों में भक्षा भक्ष्य को विशेष रूप से मांसाहार को आधार बनाकर चिंतन किया जाता है तो विद्वजनों एक बात स्पष्ट है कि कम से कम 6-7 निर्देश ऐसे हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा। जो विद्वान ये कहती हैं कि वेद में मांसाहार है, इस बात का खंडन करने के लिए विद्वानों को कम से कम 7 बातों पर विचार करना होगा। शुरू में तो मैंने मुख्य बातें सिद्धांत पक्ष में रखी हैं कि वेद में मांसाहार नहीं है, पशुओं को नहीं मारना चाहिए, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, परंतु दुष्टों को दंड जरूर देना चाहिए यदि कोई इस तरह की हिंसा करते हैं। परंतु यदि तुम मांसाहार को आधार बनाकर भक्षा भक्ष्य के संदर्भ में यदि तुम चिंतन करना चाहते हो तो पहले 7 बातों पर आपको विचार करना होगा। नंबर 1, वेदों में मांस को राक्षस भोजन कहा है। नंबर 1, इस बात पर विचार करना होगा। नंबर 2, वेदों में मांस भक्षण का निषेध है, यह भी आपको ध्यान रखना होगा। नंबर 3, वेदों में क्षुधा की निवृत्ति के लिए जो आदि अन्नों का विधान है मांस का नहीं है। नंबर 4, भक्ष्य का परिगणन ये का कि भक्ष्य अर्थात भोज्य पदार्थों की प्रार्थनाओं तथा उसकी सूची में जो परमात्मा से हमने प्रार्थना की है उस सूची में कहीं भी मांस परिगणित नहीं है। और नंबर 5, वैदिक प्रार्थनाओं में यद्यपि गौ आदि पशुओं की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं हैं तथापि उनकी प्राप्ति भोजन के संबंध में उनके दूध आदि के लिए है, न कि उनके मांस के लिए जो है। नंबर 6, वेदों की रहस्यात्मक तथा प्रतीकात्मक वर्णन शैली है। इस वेद संस्थान का यह सौभाग्य है कि डॉक्टर फतेह सिंह ने वैदिक प्रतीकों के ऊपर काम किया है, इसलिए मैं उसी संदर्भ में बात कर रहा हूं कि यदि मांसाहार के संदर्भ में उन स्थलों को देखना है तो वैदिक प्रतीकों को भी आपको समझना होगा उस रहस्यात्मक शैली में। कि वेदों की रहस्यात्मक और प्रतीकात्मक वर्णन शैली में जो वेद की स्टाइल है, जो सिंबॉलिक शैली है वेद की जो है, और जो रहस्यात्मक है, जो वो सीक्रेट है जिसको समझने के लिए आपको योग साधना भी करनी पड़ेगी, उसे मान शब्द का क्या अर्थ है ये भी आपको देखना होगा। और नंबर 7, इस रहस्यात्मक शैली में अश्व वृषभ ऋषभ गोघन अतिथिग्व उक्षा अज धेनु गौ अग्निया
आदि आदि एक्सेट्रा एक्सेट्रा आदि शब्दों के अर्थों को आपको समझना होगा। इन उपर्युक्त निर्देशों पर विचार करते हुए अब हम ये स्पष्ट करेंगे सबसे पहले कि वेदों में मांस को राक्षस भोजन कहा गया है, राक्षस भोजन है। और कम से कम 5 या 6 ऐसे शब्द आए हैं, जैसे क्रव्याद है, नंबर 2 पिशाच है, नंबर 3 असुत्रिप है, नंबर 4 गर्भाद है, नंबर 5 अंडाद है और नंबर 6 मांसाद है। ये 6 शब्द के माध्यम से वेद ने मांस खाने वाले लोगों को बड़ी घृणित दृष्टि से देखा है। क्रव्याद उसको कहते हैं, उस राक्षस को कहते हैं जो क्रिवि धातु से बना है, जिसका अर्थ है जो हिंसा करता है, हिंसा से प्राप्त मांस जो खाता है, अधमाने भक्षण करने, अधभक्षण धातु से बना है, हिंसा से प्राप्त जो मांस है जो उसका भक्षण करता है उसको क्रव्याद बोलते हैं। और यह नाम राक्षसों का है, वेदों में यह नाम राक्षस का है। और वैदिक सिद्धांत के अनुसार सभी मांस भक्षक राक्षस हैं, यह सिद्ध होता है जो ये। और पिशाच नाम है पिशितम मांसम अंचतीति पिशाच, जो 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 क्या करता है, पिशित का अर्थ मांस, अश का अर्थ खाना, अतः पिशाच का अर्थ मांस के खाने वाले, उनको पिशाच कहा है। आपने देखा होगा जो बड़ा क्रूर होता है उसको लौकिक भाषा में पिशाच बोलते हैं, ये तो ऐसा पिशाच है कि छोटे बच्चों को बुरी तरह से मारता है। स्कूलों में हमारे गुरु जी कहा करते थे यदि कोई संरक्षक छोटे बच्चों को मारता है ये तो निरा पिशाच है, जो ये अर्थात घृणित दृष्टि से देखा जाता। तीसरा असुत्रिप है, असु कहते हैं प्राणों को, जो दूसरों के प्राणों पर अपने पेट की तृप्ति करता है जो ये, उसको असुत्रिप कहा। और गर्भाद जो गर्भ को खाने वाले हैं, अर्थात जो अंडा खाने वाले हैं, क्योंकि अंडा गर्भ ही तो है, उस अंडे के अंदर पलने वाला जो जीव है, बताइए तो अंडा तो गर्भ है जो उसको खाने वाले हैं, गर्भाद करते हैं गर्भ के खाने वाले। और इसके 2 अर्थ हैं, वह जीवन तत्व जिससे कि बच्चे का शरीर बनता है, इस पक्ष पर कुछ लोग जो है प्रश्न करने में सक्षम हो सकते हैं कि अंडा तो एक वेजिटेरियन फूड के रूप में आता है, परंतु वैदिक संहिताओं के अंदर अंडा जो है एक गर्भ है, क्योंकि उसके अंदर एक जीव पल रहा है, इसलिए जो अंडा खाने वाले हैं उनको गर्भाद कहा गया है जो ये। और दूसरा इसका अर्थ है नवजात शिशु, अर्थात छोटे छोटे पशु पक्षी, पहले अर्थ में अंडों को खाने वाला गर्भाद है, क्योंकि अंडे में बच्चे के शरीर को बनाने वाला जीवन तत्व रहता है जिसे कि लोग खा जाते हैं। और दूसरे अर्थ में नवजात या छोटे छोटे पशु पक्षियों के खाने वाले गर्भाद हैं, अर्थात अंडा भी खाने वाले और छोटे छोटे जो चूजे होते हैं उनको खाने वाले, उनका 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 जो है जूस निकाल करके जो है पीने वाले जो है, इस श्रेणी में वे लोग शामिल होते हैं जो कि चूजों खाते हैं, उनका यह सत निकाल कर खाते हैं। इस प्रकार के सभी लोग वैदिक दृष्टि से इस तरह के पूर्ण राक्षस हैं। और अंडाद भी आया, अंडाद जो है इसी से ही, गर्भाद और अंडाद एक तरह से पर्यायवाची रूप में हो सकते हैं। और मांसाद तो स्पष्ट है जो कि मांस से ही पता चल रहा है। इन राक्षसों को वेदों में कठोर दंड देने का विधान है, सामान्य पनिशमेंट की बात नहीं करता वेद, कठोर दंड जो है जैसे उनके सिर काट देने चाहिए, इनको जला देना चाहिए, इनका घर धन परिवार से इन्हें बिल्कुल अलग कर देना चाहिए, देश निकाल देना चाहिए, और फिर कहा वेद ने इनको भूखा मारना चाहिए जो है, इस तरह की कठोर पनिशमेंट की बात वेद करता है। अतः जो वेद मांस भक्षकों के लिए इतने कठोर पनिशमेंट का विधान करता हो और जो इन्हें घृणित राक्षस नाम से पुकारता हो, वह अतिथि यज्ञ, श्राद्ध कर्म, पशु यज्ञ और साधारण भोजन में मांस के प्रयोग की आज्ञा देगा, यह बात मेरे समझ में आज तक नहीं आई। जो है जो मेरे साउथ इंडियन मित्र हैं या जो जो ईस्ट, अब पूरी भारत के लोग हैं आसाम साइड के, या और जो इस मध्य भारत में जो अनुसंधान करने वाले हैं, कि उनकी उनकी दृष्टि इस तरफ जानी चाहिए जो है, जब वेद इतने कठोर दंड का जो विधान करता है, तो फिर मृतक श्राद्ध में या कहना चाहिए अतिथि के भोजन में या पशु यज्ञ में या साधारण भोजन में वो मांस की चर्चा कैसे करेगा, ये तो वद तो व्याघात दोष वेद पर लगेगा। और वद तो व्याघात दोष यदि वेद पर आ गया तो फिर ये नॉन इंडिविजुअल नॉलेज कैसे होगी, फिर तो ये इंडिविजुअल नॉलेज मानी जाएगी जिसको पौरुषे बोलते हैं जो ये एक सिद्धांत की बहुत बड़ी हानि होगी। ये मेरा विद्वानों से प्रार्थना है कि मेरी इस बात पर जरूर विचार करें जो ये। अब
वेद में मांस भक्षण का सर्वथा निषेध है, इसके लिए मैं कुछ मंत्र कोट करना चाहता हूं। जैसे गृहमत्तम यौमत्तम अथो माशमथो तिलम वाम एषय वाम भागो नीतो रत्न देहाय दंतो मा हिंसिष्टम। ये वेद में कहा जो ये हे मेरे दांतों की दोनों पंक्तियों, देखें ये लक्षणा आ गई जो है, ये उपचार आ गया जो है, ये हे मेरे दांतों की दोनों पंक्तियों जो है, ये तुम चावल खाओ, तुम जौ खाओ, तुम उड़द खाओ और तुम तिल खाओ, ये अन्न ही तुम्हारा नियत हिस्सा है, इसके भक्षण से तुम्हें रमणीय फल मिलेगा, इन्हें उन्हें मत मारो जो माता पिता बनने की योग्यता रखते हैं, अर्थात पितृ शक्ति और मातृ शक्ति से संपन्न पशुओं की हिंसा न करो जो है। ये इतने दो शब्द दिए हैं पितरम मातरम जो है, ये पितृ शक्ति संपन्न और मातृ शक्ति संपन्न, अर्थात जो वंश बेल को बढ़ाने की ताकत रखते हैं, जिनमें इतनी ऐसी कैपेसिटी है कि और पशुओं को पैदा कर सके, ऐसे मत मारो जो है, वेद ने स्पष्ट कहा जो है, मा हिंसिष्टम पितरम मातरम च जो है। इस मंत्र में दांतों को संबोधित करते हुए कहा कि दांतों, अब इसको हम विश्लेषण करते हैं इस मंत्र का, कि तुम्हारे खाने के लिए धान आदि अन्न ही नियत किया हुआ है, इट इज डिसाइडेड टू ईटिंग फॉर योर फूड, कि यही अन्न का भोजन तुम करो जो है ये, और दूसरा तुम मत करो जो है ये, और इस धान आदि अन्न के खाने से ही तुम्हें उत्तम फल मिल सकता है, क्योंकि अब भविष्य, अब एक मिनट मेरी लाइट भाग गई, जरा मैं इसको ऑन कर लूंगा, प्लीज एक मिनट शशि जी, एक मिनट केवल, एक रमन जी, ये मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हेलो जी, प्रभु ने तुम्हारे खाने के लिए धान आदि अन्न नियत किया है, मांस नहीं, इस धान आदि अन्न के खाने से ही तुम्हें उत्तम फल मिल सकता है, क्योंकि अन्न भक्षियों के दांत शीघ्र नहीं बिगड़ते और मांस भक्षियों के शीघ्र बिगड़ जाते हैं जो है। ये कितनी साइंटिफिक बात कही है जो है, जो मांस कर खाते हैं उनके दांत बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, परंतु जो अन्न का सेवन करते हैं उनके दांत जल्दी खराब नहीं होते। और तीसरी बात कही, तुम पिता और माता की हिंसा न करो, अर्थात पितृ शक्ति या मातृ शक्ति से संपन्न किसी भी प्राणी का विलोप न करो जो है। मांस भक्षी पशु भक्षियों की हत्या द्वारा संसार में पितृ शक्ति और मातृ शक्ति का विलोप होता है। इस मंत्र में दांतों के प्रति कहा कि तुम मांस भक्षण द्वारा पितृ शक्ति और मातृ शक्ति की हिंसा मत करो जो है। और आगे कहा, स्वधिते मेनम हिंसी मंचः क्रोशन्ति कुन्तः प्रविशन्ति, ये लक्षणा है, मुख्यार्थ वादे तदयोगे रूढ़ित्व अथ प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्षते यत् सा लक्षणारोपिता क्रिया, अर्थात इसमें दांतों तुम हिंसा मत करो, इसका मतलब है कि दांत वाला जो व्यक्ति है, जो ह्यूमन बीइंग है, उसके लिए बात कही गई है जो ये दांतों को संबोधन से मनुष्य से ही है, बात कही गई है उपचार से, क्योंकि मंत्रों में अचेतन दांतों का केवल उपचार मात्र ही हुआ है, वेदों में औपचारिक वर्णन बहुत है, तो यो भवन्ति इति अचेतनानि अप्यवस्तुयन्ते औषधीयानि, निरुक्तकार ने कहा जो है, वेद में इस तरह के बहुत वर्णन है जो है। मैं सुन, और दूसरा प्राणियों से अन्यत्र धान जो आदि में ही होना चाहिए, क्योंकि तुम पितृ शक्ति और मातृ शक्ति की हिंसा मत करो जो है। यहाँ भी स्पष्ट कहा इस मंत्र में भी जो है ये, कि मातृ शक्ति की हिंसा मत करो जो है। तो इस वर्णन से मांस के भक्षण का निषेध किया गया है, और इसी प्रकार से और भी मंत्र हैं, ये आमम मांस मदन्ति पौरुषेयं च ये कृवि गर्भान खादन्ति केशवास्तानितो नाशयामसि, कि जो कच्चा अर्थात घर में रखा हुआ पका हुआ गऊ का या अन्य पशुओं का जो मांस है उसको आम मांस कहा गया है, जो पौरुषेय कृवि है अर्थात पितृ शक्ति और मातृ शक्ति से प्राप्त मांस है उसको खाते हैं, जो गर्भों को अंडों को नवजात या छोटे पशु पक्षियों को खाते हैं, इस प्रकार उनको केशव कहा है, केशव
लौकिक संस्कृत में केशव भगवान कृष्ण का नाम है ना। केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणो हर्षम उपागतः, इस तरह के जो अन्योक्तियों वाले श्लोक देखने को मिलते हैं। परंतु यहाँ केशवानी कहा, केशवा स्थानी तो नाश्यामसी, चाहे अंडा खाए कोई, चाहे मांस खाए, चाहे कच्चा मांस का है चाहे पका मांस का है, उन सबको केशव कहा है। क्या कहते हैं? शरीर को, शरीर को जिन्होंने शव बना लिया है, अपने पेट को जिन्होंने एक मुर्दा घर बना लिया है, ऐसे उनको केशव कहा है। और उनको नाश्यामसि, वेद कहता है कि उनका नाश कर देना चाहिए, उनको जो है खत्म कर देना चाहिए। इतने कठोर शब्दों में वेद ने कहा है, इतो नाश्यामसि, उनको जीने का अधिकार नहीं है। तो ये इस तरह की बात आई है। तो ये कुछ चीज मैं छोड़ रहा हूं। और यजुर्वेद में तो जो 30वां अध्याय, उसमें कहा है अंतकाय गोघातम, कि जो गोघात करने वाला है उसको अंतक को, अर्थात जो मौत की सजा देने वाला है उसको सौंप देना चाहिए। तो वेदों में क्षुधा की निवृत्ति के लिए धान आदि अन्नों तथा क्षुधा दुग्ध आदि पदार्थों का ही विधान है, मांस का विधान नहीं है। तो इसलिए कोई ये कहे कि वेद में ऐसा नहीं है, तो वैदिक संहिताओं को मैं समझता हूं उन्होंने पढ़ा नहीं है। मैं तो केवल इतना ही बोल सकता हूं, क्या टिप्पणी करूं उन पर जो है। गोभिस्तरे मामतिम दुरेवाम येन वाम क्षुदम पुरुहूत विश्वे वयम राजसु प्रथमा धनानी अरिष्ठा सोवृजनी भीर जयम। हे इंद्र, हे प्रभो, हम सब दुर्व्यवहार की उत्पादक अमति, अतः अमति बोलते हैं कुबुद्धि, अतः बुद्धि की न्यूनता की को गऊ के दूध आदि के सेवन से दूर करें। अर्थात जो मनुष्य बुद्धिहीन हो रहा है, उस बुद्धिहीनता को जो है गौ के दुग्ध से दूर करने की बात कही है। और सब रोगों से रहित हम हो, ऐसी प्रार्थना की गई है। हम सेनाओं के द्वारा जो है अपने को हम बढ़ाएं, जो अपने राज्य की हम वृद्धि करें, जो है इस तरह की बात मंत्र में ये कही गई है। तो ये इस तरह का सिद्धांत है वेद का। तो अब ये कहते हैं कि जो जो हमारे जो भोज्य पदार्थ है, उन भोज्य पदार्थों की वैदिक प्रार्थनाओं में उनकी सूची क्या है। हम केवल गोदुग्ध ही से बने पदार्थ खाएं या ये खाएं। अब ये जो सूची है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इस सूची में कहीं भी मांस का परिगणन नहीं है। इसी प्रमाणिकता के लिए वेदों के कुछ स्थल हमें देखने पड़ेंगे। जो ये जैसे भोज्य पदार्थों की जो प्रार्थनाएं की गई हैं, या अकस्मात जहां कहीं भी भोज्य पदार्थों का परिगणन आ गया है, प्रसंग आ गया है, उन स्थलों के पठन से यह परिणाम अवश्य निकलेगा कि इन प्रार्थनाओं में, प्रसंगोपात सूचियों में मांस का परिगणन नहीं है। या वैदिक ऋषि मांस लोलुप हो, यदि वैदिक ऋषि मांस लोलुप होते तो इन प्रार्थनाओं या सूचियों में मांस का परिगणन भी अवश्य होता। इस निश्चय के लिए यजुर्वेद के 18वें अध्याय के तथा वेदों के अन्य ऐसे स्थलों को देखना आवश्यक है कि जिसमें जो जिसमें कि एक 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 प्रकार से अन्नों को गिनाया गया है कि कौन कौन से अन्न है जो ये। तो देखिए जैसे वृहयश्च मे यवाश्च मे मासाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे प्रियंगवश्च मे अणुवश्च मे श्यामाकाश्च मे निवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम, ये बात कही है। अर्थात इनमें कहा गया है कि धान है, जौ है, तिल है, उड़द है, मसूर है, आदि अन्नों की वृद्धि की कामना की गई है। डॉक्टर शशि जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण एक निबंध लिखा है जो बड़ोदरा से छपा, द वेजिटेरियन फूड इन द ऋग्वेद। इसमें बहन शशि जी ने जो है एक सूची दी है, मैंने भी वो देखा है, सूची देखी और मैंने मिलान किया है। बहुत ठीक बहन जी ने जो है वहां प्रस्तुत किया है, आप सबको भी वो लेख जरूर देखना चाहिए। जो ये फिर कहते हैं कि ऋग्वेद के अंदर जो वर्षा सूक्त है, जब वर्षा हो रही है और खूब वर्षा हो रही है, अब जो वैदिक लोग हैं, जो वैदिक ऋषि है, अब वो ज्यादा वर्षा से परेशान हो गया, समझाने का तरीका है। अब वो प्रार्थना करते हैं कि औषधीर अजिजन भोजनाय, हे प्रभु, हे इंद्र देवता, खूब प्रभुत मात्रा में औषधियां भोजन के लिए पैदा हो गई हैं, अब और जल की आवश्यकता हमको नहीं है।
ये वर्षा काम सुख के अंतर्गत आता है, आप देख सकते हैं, उनमें कहीं ये नहीं कहा गया है कि पशु खूब मोटे ताजे हो गए मांस के लिए जो है ये, इसलिए अब तुम रहम करो, अब और मत बरसो जो है। परंतु वहां ऐसा नहीं है, वहां तो औषधि की बात है। और औषधि किसको बोलते हैं कि जो पकने के बाद नष्ट हो जाती है औषधि, जैसे अन्न आदि औषध है फल पाकांता, काशी का कारण लिखा है, फलिर वनस्पति ज्यों वृक्षा पुष्प फलो गा औषध्य फल पाकांता लता गुलमाश्च विरुधा। इसमें पूरा वनस्पति शास्त्र का वर्णन किया गया है, लेकिन औषधि उसको बोलते हैं जो पकने के बाद जिसका पौधा जो है खत्म हो जाता है, अपने को नष्ट कर देता है और फल मात्र रह जाता है, जैसे कि अन्न आदि। एक बहुत बड़ी सूची है, पुष्टिम पशुनाम परिजग्रवाहम चतुष्पदाम द्विपदाम यच्च धान्यम पय पशुनाम रसम औषधि नाम बृहस्पति सविता में नियच्छा। कि भोजन के लिए क्या हो जो है ये, पशुओं का दुग्ध हो और धान्य हो जो है, और फलों के रस हो, रस का गूदा हो, औषधियां तरह तरह की हो और भी जो है ये, हे बृहस्पति है ना, ये मेरे लिए तू इस भाग को निश्चित कर जो है ये। इस तरह की बात वेद में रहस्यात्मक वर्णन शैली में ये हमको प्राप्त होती है। अब कहते हैं कि जो वेदों की रहस्यात्मक वर्णन शैली है उसमें मांस शब्द और पशु मांस से भिन्न अन्य अर्थ में भी प्रयुक्त है। मांस शब्द जो है केवल मीट के अर्थ में नहीं, अंग्रेजी में जिसको मीट कहते हैं है ना, तो कहते हैं इसी अर्थ में नहीं है, अन्य अर्थ में भी प्रयुक्त है। ये वेदों की जो रहस्यात्मक वर्णन शैली है उस दृष्टि से हमको विचार करना होगा। जो जैसे अनेक वैदिक तथा अन्य प्रमाणों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि यज्ञ में या यज्ञ से अन्यत्र व्यवहार कार्य में भी निरपराध पशु की हत्या नहीं करनी चाहिए। वेद में तो यह भी लिखा है कि पशु परमात्मा के लिए प्राण रूप है। साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि वेद में मांस के खाने वाले को राक्षस नाम से पुकारा है, जैसे कि हमने पहले कहा है। अतः वेद जो कि पशुओं पर परम कृपालु है और जो मांस भक्षक को राक्षस कहता है, पशुओं के मांस के भक्षण की आज्ञा देगा, ये बात समझ में नहीं आती। यह मानना तर्क सिद्ध प्रतीत नहीं होता, तो भी वेदों में कतिपय ऐसे स्थल जरूर मिलते हैं जहां मांस के भक्षण या उसके यज्ञ में डालने का आभास प्रतीत होता है। वो आभास है, वास्तविक रूप से नहीं है। तो आइए, जैसे जैसे कि कुछ मंत्र हैं, दक्षिण भारत के लोग प्राय इनको उद्धृत करते कि अपूपवान मांस मांस चरुरे है सीदतु लोक कृत पथिकृतो यजामहे ये देवानाम हुत भागा यह स्था ये ते मंथम यमोदनम यद मांसम निप्रणामी ते संतु सुधावंतो मधुमंतो घृतश्चुतः सय एवं विद्वान मांसम उपसिच्य उपाहरति यावद् द्वादशहीन इष्ट्वासु समृद्धे नवरुंधे तावदेनेव अवरुंधे एतद्वाउ स्वादियो यद् अधिगम क्षीरम वा मांसम वा तदेव नाशनीयात्। ये कुछ मंत्र हैं और ये अथर्ववेद के हैं, अथर्ववेद के 18वें कांड के हैं, इसमें से दो और दो 9वें कांड के हैं जो है। और ये प्राय इनको उद्धृत किया जाता है। ऐसे अन्य मंत्रों में मांस का वर्णन का समाधान क्या है, ये प्रश्न हम जैसे लोगों के सामने जो है लगता है। अब इस बात पर थोड़ा सा विचार करते हैं। जो आस्तिक लोग जो कि समग्र वेद को सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी मानते हैं और वेदों में इस प्रकार परस्पर विरोध के प्रश्न को एकदम उपेक्षित नहीं कर सकते हम, इसका कोई ना कोई समाधान हमको सोचना पड़ता है। जबकि वैशेषिक दर्शनकार तत्ववेत्ता जो अपने वैशेषिक कार कणाद हुए हैं वेदों के संबंध में कहते हैं बुद्धिपूर्व वाक्य कृतिर्वेदे, वेदों के अंदर जो है वाक्य रचना बुद्धिपूर्वक है, तो तब हमारे लिए और भी आवश्यक हो जाता है कि हम भासमान इस परस्पर विरोध का कोई समाधान ढूंढें। परंतु प्रश्न यह है कि उपस्थित मांस की समस्या को हल कैसे किया जाए, ये प्रश्न पैदा होता है। इसका समाधान संभवतः इस कल्पना मिल जाए कि जब वेदों के विधि वाक्यों में पशु हिंसा तथा मांस भक्षण के स्पष्ट निषेध हमको उपलब्ध होते हैं, तब वेदों के ऐसे स्थलों में जिनमें मांस भक्षण के आधार की यत किंचित संभावना तो प्रतीत होती है, परंतु इससे जानने की कोशिश की जाए कि संभवतः वेदों की रहस्यात्मक वर्णन शैली में पशु मांस के अतिरिक्त मांस शब्द का कोई अन्य प्रसिद्ध अर्थ भी है कि नहीं है। जो बृहदारण्यक उपनिषद में जो कि पुरुष और वृक्ष में पूर्ण समानता दर्शाई है, वृक्ष में और पुरुष में ह्यूमन बीइंग में बहुत समानता दिखाई है,
ये इसके दो तीन मंत्र हैं। यथा वृक्षो वनस्पति तथैव पुरुषो अमृषा तस्य लोमानि प्रणानि त्वगस्य उत्पाटिका वही त्वचा एवस्य रुधिरं प्रसंदी त्वचा उत्पटा तस्मात् तद आत्रिनात् प्रैतिदासो वृक्षादिवाहतात् मांसानि अस्य शकरानि किनाटम स्नावतते स्थरम अस्थीनी अंतर्तो दारुणी मज्जा मज्जोपमाकृता। अर्थात जैसे बड़ा वृक्ष होता है तो पुरुष भी वैसा ही है। ये बिल्कुल सत्य है, वृक्ष के पत्ते ही रोम है, जो पुरुष के रोम है वो जो है पुरुष में जैसे पत्ते, ये वृक्ष में जैसे पत्ते हैं, वैसे बाहर की छाल ही पुरुष की त्वचा है। आहत होने पर मनुष्य की त्वचा से खून निकलता है और वृक्ष की त्वचा से गोंद का रस निकलता है। वृक्ष के शकर अर्थात गूदा उसके मांस रूप है, सूक्ष्म सूक्ष्म तंतु सम सिराएं उसकी स्नावा है, अंदर की दारु अस्थि है तथा दारु में रहने वाला स्नेह पदार्थ मज्जा है। ये इन दो तीन श्लोकों का अर्थ है और ये उपनिषद के अंदर है, बृहदारण्यक के अंदर है। इस प्रकार इस वर्णन से स्पष्ट दिखता है कि रोम त्वचा रुधिर मांस स्नावा अस्थि तथा मज्जा आदि शरीर अवयवाची पद वृक्षों के भिन्न भिन्न अवयवों के भी वाचक है। अतः वेदों में भोजन के संबंध में मांस शब्द से केवल दर्शन मात्र से पशु मांस की कल्पना कर लेना न्यायानुमोदित तथा युक्ति सिद्ध प्रतीत नहीं होता। इस संदर्भ में एक बात बोलना चाहूंगा कि ये जो इसमें मैंने मंत्र बोला था एतद वा स्वादि यद अधिगम क्षीरम व मांसम व तदेव नाशनिया, इस मंत्र को आधार बना करके 1983 में स्वामी दयानंद निर्वाण शती समारोह अजमेर में मनाया गया था और उस अजमेर के निर्वाण शती जो ग्रंथ छपा जिसको स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती ने एडिट किया उसमें इसके बरेली के एक विद्वान हुए हैं जो कि विश्व सर्वाजी अब नहीं रहे इस दुनिया में, उन्होंने इसके आधार पर मांस शब्द का जो वर्णन किया है उसमें बहुत गजब का अर्थ उन्होंने किया है। यदि किसी के पास वो ग्रंथ हो तो उसको जरूर देखें और उसमें और ही बात स्पष्ट हो जाएगी निरुक्त के ही आधार पर, और उसमें आचार्य यास्क की भी कमी उन्होंने निकाली है, उसको जरूर देखना चाहिए। जो ये मैंने कर्म से ये प्रसंग बस ही बात कही है जो है। तो इस तरह से ये जब उपनिषद के अंदर ये बात कही गई है तो अथर्वेद के मंत्रों में जो रोहिणी औषधि का वर्णन है चौथे कांड में जो है, इस औषधि के वर्णन में कहा कि ये टूटी फूटी हड्डी को जले हुए, ये जो रोहिणी औषधि है वो औषधि जो है टूटी फूटी हड्डी को जले हुए मांस त्वचा तथा मज्जा को पुनः पूर्वावस्थित कर देती है। इसी वर्णन क्रम में रोहिणी के भिन्न भिन्न अवयवों को, जो रोहिणी औषधि है उसके जो अवयव है उन अवयवों को कहा मज्जा परुहु चर्म अस्त्रिक मांस लोम तथा अस्थि आदि नामों द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, ऐसा अथर्वेद संहिता में मिलता है। अतः प्रतीत होता है कि वैदिक परिभाषा में हर शास्त्र की अपनी पारिभाषिक शब्दावली होती है, वेद की भी अपनी पारिभाषिक शब्दावली है। इसलिए मेरा विद्वानों से आग्रह है कि वेद की इस पारिभाषिक शब्दावली को समझना चाहिए। कुछ संकेत गुरुदत्त विद्यार्थी ने जो है बहुत पहले किया था, गुरुदत्त विद्यार्थी की उस पारिभाषिक जो वेदों की शब्दावली की ऊंचा में उसको जरूर देखना चाहिए, कई शंकाओं का समाधान होगा। तो वैदिक परिभाषा में मांस अस्थि आदि नाम औषधि जगत के भिन्न भिन्न अवयवों में प्रयुक्त होते हैं, केवल एकमात्र पशु या जंगम प्राणी जगत में ही इनका प्रयोग सीमित नहीं है। अतः भोजन के संबंध में वेदों में यदि मांस आदि शब्द प्रयुक्त हो तो इनके उचित अर्थों के चुनाव में बुद्धिमत्ता तथा व्यापक दृष्टि से काम लेना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। अथर्वेद में जो 11वां कांड है तीसरे मंत्र में आता है, तीसरे सूक्त में आता है कि धान के परिप्रेक्ष्य में जहां धान की चर्चा की गई है, जो हमारी वैदिक संस्कृति है उसको उसको कृष्टि शब्द से कहा गया, कृष्टया संभव खेती के ऊपर टिकी हुई है और हमारे त्योहार भी खेती के ऊपर ही टिके हुए हैं। अभी दीपावली गई है, जो नया धान आता है और उसकी जो खीले होती है उसे हम कुंड में डालते हैं, जो ये सारी की सारी जो हमारी संस्कृति खेती के ऊपर है। और ऐसे अथर्वेद के 11वें कांड के तीसरे सूक्त में जो है ये धान के परिप्रेक्ष्य में मांस शब्द के विषय में आता है, धान के संदर्भ में क्या अश्वाकणहा गावस तंडुला मस्कास्तुसहा श्यालमयोस्य मांसानी लोहितमस्य लोहितम, अर्थात चावल के जो कण है उनको अश्व कहा गया, चावल को गौ कहा गया है, भूसी को मशक कहा गया है, चावलों का जो श्याम भाग है उसको मांस कहा गया है और जो उसका लाल भाग है उसको रुधिर कहा गया है।
विद्वानों ने इस चीज को नहीं देखा और उन प्रसंगों में देख लिया कि यह मांस खाने का वर्णन है, लेकिन आगे पीछे के संदर्भों को देखना चाहिए। वेद को आप एक व्यष्टि के रूप में नहीं देख सकते, वेद को समष्टि के रूप में आपको देखना होगा। वेदात वेदम संगच्छे, पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार ने जो अपने जो मणि सूत्र लिखा है उसमें लिखा वेदात वेदम गच्छे, ऋग्वेदात यजुर्वेदम, यजुर्वेदात सामवेदम, सामवेदात अथर्वेदम, तभी ये एक रूप में आपको प्राप्त होगा। और ये जो बात कही है कि ये इन संदर्भों को जो ध्यान के ये जो संदर्भ हैं जिनमें की मांस भी है और इसमें रक्त रुधिर का भी है, उन चीजों को आपने छोड़ दिया और सीधा सीधा अर्थ कर लिया पशु मार करके प्राप्त होने वाला जो मांस है। इसलिए मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि इस मनुष्य ने किस आधार पे कर लिया, वेदों के इन संदर्भों को तो देखना चाहिए था। रोहिणी औषधि के संबंध में तीन मंत्र और प्राप्त होते हैं जिनके पठने से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। जो ये मैं उसके समते मज्जा मज्जा भवतु समते परुषा परु, ये इस तरह के हैं कि इसका मैं अर्थ बता रहा हूं कि जो लाख है रोहिणी, रोहिणी का अर्थ है मोटा मोटा लाख, लाक्षा जिसको बोलते हैं, उसकी जो मज्जा है मज्जा मारो द्वारा तेरी मज्जा का संधान हो, रोहिणी औषधि के चर्म के द्वारा तेरा चर्म रोपित हो। अर्थात जो वैद्य है वो क्या करता है, जो जो घायल व्यक्ति है जिसका शरीर के अंग कट गए हैं उनमें रोहिणी लाक्षा से जो है, लाक्षा के इस जो उसका पार्ट है जो कि जो शरीर में जिसको मांस बोलते हैं वहां भी उसका वो नाम है, उसको लेप करके जो है वो जल्दी ठीक हो जाता है। रोहिणी के अस्तित्व तथा अस्थि द्वारा तेरा रक्त तेरी हड्डी स्वस्थ हो तथा रोहिणी के मांस अर्थात गुद्दे द्वारा तेरा मांस बढ़े जो है। इस प्रकार मंत्र में रोहिणी औषधि जिससे कि लाख बनती है कि मज्जा चर्म अस्थि अर्थात रक्त हड्डी और मांस का वर्णन है। और यही बात वामन शिवराम आपटे ने अपने कोश में लिख मज्जा का अर्थ किया द पिथ ऑफ प्लांट्स तथा द मारो ऑफ द बोन्स एंड फ्लैश। अतः उपयुक्त ये जो तीन मंत्र हैं इनमें मांस का अर्थ फल का गूदा प्रतीत होता है, जहां की भोजन के संदर्भ में इन लोगों ने जो है मनुष्य के को जो है मांस खाने की बात कही वहां फल के गूदे का अर्थ निकलता है। ये ऐसा हमको लगता है ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर यह दर्शाया जा सकता है कि भिन्न भिन्न अवस्थाओं में धान और जौ की पीठी के तथा इस पीठी के भिन्न भिन्न अवयवों के भी मांस अस्थि रुधिर तथा त्वचा आदि नाम है। जैसे ये शतपथ ब्राह्मण का है यदा पिष्टानि अथ लोमानि भवन्ति यदा आपे आनयति अथ त्वक भवति यदा संयोति अथ मांसम भवति संतत इव ही से तर्री भवति संततम इव ही मांसम यद अश्रितो अस्थास्ति भवति दारुण इव ही सा तर्री भवति दारुणमित्यस्थि अथ यदु द्वासैस्य अन्नभिधारयति तम मज्जानं दधात्येषो मासंपद्या उपांतः पशुरिति। ये पांत पशु के संदर्भ में बात है। ये जो द्रीय धान है और जो की जो पीठी है उसके दाने लोम रूप हैं, पानी डालने से इस पीठी पर जो पिपड़ी बन जाती है वह त्वचा रूप है, जल और पीठी के मिलाने पर पीठी मांस रूप है, क्योंकि जल के मिलाने पर वह पीठी फैल सी जाती है और मांस भी फैला हुआ ही होता है। जब पीठी पकाई जाती है तब वह अस्थि हड्डी रूप है, उस समय वह कठोर हो जाती है और अस्थि भी कठोर ही होती है। जब पीठी को अंगारों पर से उतार कर उस पर घी डालते हैं तब अस्थि रूप पीठी में मज्जा पैदा होती है। इस प्रकार इस पीठी में पांचों पशुओं की श्री है, पांचों पशुओं की श्री, ये शतपथ का वचन है। इससे प्रतीत होता है कि वेद में यत्र तत्र भोजन के संबंध में पठित मांस आदि शब्द आवश्यक नहीं है कि प्राणी पशु के ही भिन्न भिन्न अवयवों के वाचक हों। चरक संहिता तथा वैद्य ग्रंथों में केसर को रुधिर कहा, खजूर के गूदे को मांस कहा, बेर की गुठली को हड्डी कहा तथा पके आम के गूदे रस और गुठली को क्रम से मांस मज्जा और अस्थि के नामों से पुकारा गया है। ये यदि आप चरक संहिता को देखोगे, आयुर्वेद के ग्रंथों को देखोगे, उनमें ये आपको बात होगी। आपके के कोष में भी मांस शब्द के अर्थों में फल का गूदा ऐसी पार्ट ऑफ ए फ्रूट ये अर्थ दिया है। वामन शिवराम आपटे ने जब मांस शब्द का अर्थ वहां दिखा है तो उसने फ्लैशी पार्ट ऑफ फ्रूट ये अर्थ दिया हो, आप खोल करके देख सकते हो जो है। अतः इंटरनेट की अग्निवीर वेबसाइट पर मांस की परिभाषा देते हुए अग्निवीर ने लिखा कि मीट को मांस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह गूदेदार होता है। इसी से केवल मांस शब्द के
आचार्य जी आपका म्यूट हो गया है, खोल दीजिए। हाँ जी, अब आई मेरी आवाज? हाँ जी आए, आवाज हाँ आई? आए। ठीक है, तो लोगों ने उसको जो है मतलब वो समझ लिया है कि मतलब मांस समझ लिया है, लेकिन जो भी गूदेदार चीज होती है उसको वैदिक परिभाषा में मांस भी कहा जाता है। अतः उपर्युक्त मंत्रों जो मैंने अर्थ आपको जो मंत्र कोट किए उनमें द्व्यर्थक शब्दों से मांस भक्षण आदि का आभास या भ्रम प्रतीत होता है ना, इसलिए वो आभास सत्य नहीं है, इसलिए उनको छोड़ना चाहिए जो है। तो ये थोड़ा सा मैंने वर्णन किया है। और फिर ये है कि ये सारी चीजें आपको यदि इसमें देखना है तो पंडित विश्वनाथ जी ने जो अथर्वेद का जो थोड़ा सा व्याख्यात्मक और जो भाष्य लिखा है हिंदी भाषा में, उसको मैं पूरी तरह से भाष्य नहीं कहूंगा, ये एक तरह का उनका व्याख्यान है। संबंधित मंत्रों के से संबंधित जो भी वो बात अपनी कह सकते थे वो उन्होंने वहां शो की है, तो विद्वानों को जरूर देखना चाहिए इस संदर्भ में। मैंने उनके उस भाष्य से बहुत सहायता ली है जो ये, तो ये फलों का गूदा है, इसलिए हमको इसकी वो जो है फिर से विचार करना चाहिए। कि ये कहते हैं कि जो ये पूर्व पक्ष के रूप में जो ये मंत्रों को उद्धृत करते हैं, तो मांस भक्षण के पोषक ये जो चार मंत्रों को उद्धृत करते हैं जो मैंने भी किया है, उनमें मांस शब्द के उल्लेख से पहले तत्तत् सूक्तों के बाद वाले मंत्रों में, अर्थात जो पूर्वापर प्रसंग हैं वैदिक मंत्रों को आपको पूर्वापर प्रसंग देखना पड़ेगा, इन मंत्रों के पश्चात जो मंत्र आते हैं उनमें अपूप क्षीर दधि द्रप्स घृत अन्न मधु रस आदि पदार्थों के चरु का विधान है। अर्थात जो मंत्र ये लोग उद्धृत करते हैं जो मांस खाने के संदर्भ में, उसके बाद के मंत्रों में ये सारी चीजें आती हैं जो निश्चय ही शाकाहारी पदार्थ हैं। अब ये प्रसंग प्राप्ति, अब ये बात सबसे परे है विद्वानों के लिए कि शाकाहारी पदार्थों के साथ में अशाकाहारी अर्थात जो जो कि नॉन वेज है, वो नॉन वेज का मेल कदापि उचित प्रतीत नहीं होता। कि जो शाकाहारी भोज्य पदार्थ हैं उनके साथ आप नॉन वेज को भी रखोगे, ये बात समझ में नहीं आती। जब इस लोक के अंदर शाकाहारी लोग जो है यदि कहीं मांसाहारी का भोजन कर रहे हैं वो एक देख भी नहीं सकते, उनको स्मेल आती उल्टी हो जाती है, और वेद का ऋषि जो है इस बात को स्वीकार करेगा, ये बात हमारी बुद्धि में नहीं उतरी आज तक जो है, ये और न ये उचित भी है। अतः यहाँ उक्त स्थलों में मांस का अर्थ फलों का गूदा ही हमको प्रतीत होता है, जैसा कि वामन शिवराम आपटे ने भी लिखा है। अतः इन कतिपय प्रमाणों और तर्कों से अवश्य सिद्ध होता है कि वेदों में जो पठित मांस आदि शब्द है वो आवश्यक नहीं कि प्राणी पशुओं के अवयवों के सूचक हों, क्योंकि मांस हिंसा से प्राप्त होता है, और इस प्रकार हिंसा तथा अहिंसा संबंधी ये जितने भी प्रसंग है इनका इनके विरोध का परिहार हो सकता है, जो एक रास्ता थोड़ा सा मैंने जो देखने की कोशिश की गई है। अब गोमांस भक्षण के संदर्भ में कुछ बात विचारणीय है जो है, और वो विचारणीय है कि यदि आप, क्योंकि समय बहुत थोड़ा रह गया है इसलिए यदि इस पर मैं विचार करूंगा तो समय ज्यादा लगेगा, लेकिन यदि आप पूरा सुनना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। यह शतोदनाम पचती काम प्रेण से कल्पते प्रीता ही यस्य ऋत्विजः सर्वे यन्ति यथायथम, ये इस तरह के जो तीन मंत्र हैं, इन्हें तीन मंत्रों में इस सूक्त का जो याज्ञिक विनियोग है आचार्य शायण ने आघायताम, यह सूक्त औत्यर्थ गोवध में विनियुक्त होता है, आघायताम ऐसा उन्होंने लिखा है कि गोवध में विनियुक्त तो होता है, ऐसा आचार्य शायण ने लिखा है अथर्वेद के संदर्भ में जो है। अब इसको हमारे जो डॉक्टर बीबी चौबे थे जो कि होशियारपुर के थे, अब इस दुनिया में नहीं है, मैंने कई बार उनको इन मंत्रों को दिखाया और उनके अर्थों की संगति लगाने की भी कोशिश की गई उनसे की, लेकिन वो मेरी बात का कोई जवाब नहीं देते रहे, चुप हो जाते थे। पर कहते हैं भाई दिनेश यकीन नहीं होता, मैंने कहा जी यकीन नहीं होता ये तो मैंने गारंटी नहीं ली है यकीन नहीं होता, लेकिन मेरे इन तर्कों का जो उत्तर है वो आप दीजिए जो यदि आप मानते हो जो। तो आचार्य शायन ने आघायताम ये लिखा है कि यह सूक्त औत्यर्थ गोवध में भी नियुक्त होता है, और वह वध्या गौ शतोदना कहलाती है ऐसा कहते हैं, और उसके वध से उसके मांस की आहुति से जो यजन होता है वह अग्निस्तोम और अतिरात्र से भी श्रेष्ठ है,
यह कर्म मार्ग में प्रवृत्त कराने वाला प्रशंसा परक वचन है। जो मारी जाती है उसके प्रति तू हंताओं से मत डर, तू देवी हो जाएगी, स्वर्ग में देवता तेरी रक्षा करेंगे, इत्यादि प्रोत्साहन वचन है। जो तुझे हनन करता है, पचन करता है, आहुति देता है, वह उत्तम स्वर्ग को जाता है, इत्यादि गोभिन वचन के द्वारा गोमेद की प्रशंसा की है आचार्य शायण ने, जो है इस संदर्भ में, जो है इन मंत्रों के। अब आचार्य शायण ने वध्या गौ को शतोदना माना और इसी के अनुसार इन मंत्रों का उन्होंने अर्थ किया, जैसे कि वो दिखाया है जो है कि अब ये लगभग इसी तरह का अर्थ है। वो तो आचार्य शायण का जो है विनियोग था जो मैंने आपको सुनाया जो है, लेकिन पंडित विश्वनाथ जी ने इसका जो अर्थ किया है वो बहुत रिमार्केबल है। पंडित जी लिखते हैं कि ये जो अथर्वेद है ना, कि इसमें पचती पक्तार है और पक्तारम का जो अर्थ है उन्होंने किया है इन मंत्र। देखिए, यदि हम मंत्र को समझना है, मंत्र के वाक्य में क्रिया प्रधान होती है, इसलिए क्रिया को समझना पड़ेगा पहले आपको जो है। तो इसमें पचती पक्तार है और पक्तारम आदि का अर्थ क्या, ध्यान द्वारा परिपक्व करना, मेडिटेशन के द्वारा, जो ध्यान अभ्यास के द्वारा तेरा परिपाक करने वाले को यह अर्थ किया। ये विश्वनाथ जी ने पूरे मंत्रों का अर्थ ही इस प्रकार से किया है जो है, जो पचाने का अर्थ का ये कर रहे हैं जो ये, आपको ये सारा वहां देख लेना चाहिए। मैं इसको छोड़ रहा हूं, इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि जो मैं बात बोलना चाहता हूं, यहां उन्होंने वो गाय मेडिटेशन ध्यान वाली जो है, अपने अंदर वो गौ को हम जीवित करें मेडिटेशन के द्वारा, उसको पचाएं जो है। और ये आगे ये बात सिद्ध होगी जब मैं हठयोग प्रदीपिका के आपको वचन सुनाऊंगा, तो आपको ये बात समझ में आएगी जो है। तो ये इन मंत्रों में शयन जो वनियोगी भाष्यकार है, उन शतोदना को लोक प्रसिद्ध गाय मानते हुए, जो पचती पक्तार है पक्तारम इन पदों का लोक प्रसिद्ध सामान्य अर्थ अग्नि पर पकाना और मां हिंसी का अर्थ हिंसन न करना किया है, जो कि मूल वैदिक अभिप्राय से बहुत दूर है। फिर कहते हैं, जैसे परिपक्व बुद्धि पद में परिपाक का अर्थ अग्नि पर पकाना नहीं होता, वैसे ही पचती आदि युक्त पदों के विषय में भी जानना चाहिए। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि मारी गई, काटी गई और अग्नि पर भूनी गई और द्युलोक में पहुंची हुई शतोदना के जब अंगी नहीं रहे, तब वह दिविशद और अंतरिक्षद और भूमिष्ठ देवों को आमिक्षा आदि कैसे दे सकती है, जो कि इन मंत्रों में है, जो कि इस अथर्वेदीय सूक्त के अन्य मंत्रों में इंगित है। वैदिक दर्शन के अनुसार वेद में मंत्र रचना बुद्धि पूर्वक है, तब मंत्रार्थ बुद्धि संगति होने चाहिए, बुद्धि विपरीत नहीं, विशेषतया तब जबकि वेदों को परमेश्वरी रचना माना जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। इस वेदों की रहस्यात्मक वर्णन शैली में जिस प्रकार मांस आदि शब्दों के गूदा और चावलों का श्याम भाग आदि अर्थ संभव है, उसी प्रकार अश्वादी शब्दों के भी पशु भिन्न अन्य अर्थ भी संभव है। जैसे अश्व का अर्थ है तंडुल का कण, सूर्य, अश्वपर्णी, असगंधा औषधि, एक नक्षत्र आदि, ये सब आयुर्वेद के ग्रंथों में है। जो अज का अर्थ है छाग, 3 वर्ष या 7 वर्ष के पुराने धान को अज या छाग कहा गया। जो राशि चक्र में मेष राशि को भी छाग कहा है, अजा नामक औषधि भी होती है, धेनु को धाना कहा है, पृथ्वी कहा है, अंतरिक्ष कहा है, द्युलोक कहा है, दिशाएं कहा है, आदि बहुत सारे अर्थ है। वत्स को तिल कहा गया, वत्सा अस्य तिलो अभवत, वृषभ को ओदन कहा, बादल कहा है, ऋषभ कहा है, औषधि कहा है, गऊ को तंडुल कहा है, समी वृक्ष भी कहा है, रश्मि, चंद्रमा, दूध, चर्म, धनुष की डोरी आदि इसके बहुत सारे अर्थ हैं, निरुक्तकार ने भी ऐसा दिखाया है। उक्षा को सोम औषधि आदि कहा गया है। तो ये इतने सारे अर्थ इसके हैं, यहाँ थोड़े से मैंने परिचय मात्र के लिए दिए हैं। इसी प्रकार पशुवाचक अन्य शब्दों के भी सर्व साधारण में प्रसिद्ध अर्थ वैदिक तथा संस्कृत साहित्य के ग्रंथों में हमको प्राप्त होते हैं। मैं इनको छोड़ रहा हूं। अतः वेदों के अध्ययन करने वाले के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे मंत्रों के अर्थ करते समय परस्पर विरोधी वर्णनों पर विशेष ध्यान दे और विरोध के समाधान के लिए वेदों के रहस्यार्थों की खोज करे, क्योंकि द्व्यर्थक शब्दों से जो भ्रम हो सकता है उसका निराकरण वेदों तथा अन्य ग्रंथों ने स्वयं कर दिया है। वेदोत्तर लौकिक साहित्य में भी द्व्यर्थक शब्दों से भ्रम पैदा होता है, जिसका निराकरण भी पूर्वापर प्रसंगों के आधार पर किया जाता है। जैसे कि मैं हठयोग प्रदीपिका के कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। जो ये हठयोग प्रदीपिका योग का एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आज योग की भरमार है, जगह जगह यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूशंस में योग की कक्षाएं लगती हैं।
और हठयोग प्रदीपिका लगी हुई, उस हठयोग प्रदीपिका में दो श्लोक आते मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, तो मैं अपनी बात की पुष्टि कर पाऊंगा। गोमांसम भक्षयेत नित्यम पिबेद अमर वारुणीम कुलीनम तम हम मन्ये इतरे कुल घातका। गो शब्द न उदिता जिह्वा तत् प्रवेशो ही तालुनी गोमांस भक्षणम तत्तु महापातक नाशनम। ये हठयोग प्रदीपिका के हैं, अर्थात गोमांस भक्षण, प्रतिदिन गोमांस भक्षण करना चाहिए और शराब का सेवन करना चाहिए, ऐसे उस व्यक्ति को मैं अरिस्टोक्रेट मानता हूं, कुलीन मानता हूं। कौन कह रहा है? हठयोग प्रदीपिका का। अब ये रहस्यात्मक वर्णन है, अब इसको स्पष्ट किया है कि गोमांस भक्षण क्या है। हठयोग प्रदीपिकाकार कहते हैं गो शब्द ने उदिता जिह्वा, गो शब्द का मतलब यहां जिह्वा है, जीव जिसको बोलते हैं। तत् प्रवेशो ही तालुनी, और उसका प्रवेश तालु पर होना चाहिए, अर्थात मोड़ करके उसको तालु पर लगाना चाहिए, ये क्रिया है योग की। गोमांस भक्षणम तत्तु, उसको मैं हठयोग प्रदीपिकाकार कहता है गोमांस भक्षण बोलता हूं इस क्रिया को। महापातक नाशनम, और इससे बड़े बड़े पापों का शमन होता है। अब देखिए ये हठयोग प्रदीपिकाकार ने कहा है गोमांस भक्षण क्या है, वहां योग का की जो परिभाषाएं हैं योगिक परिभाषाओं में गोमांस भक्षण है वहां जिह्वा को तालु पर लगाना जो है, और उस जिह्वा ये एक विधि है योग में, और जब साधक साधना करता है तो उसको उच्च शिखर पर जाता है, अर्थात उसकी ऊर्ध्व गति होती है। ये केवल हठयोग प्रदीपिका का नहीं है, ये धम्मपद में भी आया इसी तरह का वर्णन जो है, जो बौद्धों का ग्रंथ है धम्मपद, वहां देखिए मातरम पितरम हत्वा राजानौ द्वौ च क्षत्रियौ राष्ट्रम सानुचरम हत्वा अनघो याति ब्राह्मणः। ये धम्मपद का वचन है जो है। अब यह क्या है, माता पिता को मार करके, अब ये माता पिता वहां क्या होते हैं है ना, इसका वहां वहां स्पष्ट किया है कि वो क्या चीज है, आप धम्मपद में देखिए जो है वहां आपको पता चल जाएगा। डॉक्टर दिनेश जी, समय जी थोड़ा सा, हाँ मैं समाप्ति की तरफ बढ़ रहा हूँ दीदी, थोड़ा सा बचा हुआ है ना, मैं इस प्रसंग को पूरा करना चाहता हूँ है ना। अब वैद्य के ग्रंथों में कहा कुमारी का पादा घाते ने तत्क्षण मृियते फणी, जो कुमारी का के लौकिक भाषा में अर्थ करते हैं कुमारी लड़की यदि पैर मार दे तो उसी समय सांप मर जाता है। कुमारी बच्ची के पैर के आघात से जो फणी है तुरंत नष्ट हो जाता है। अब बताइए ये कैसी विचित्र बात है। अब इसका मतलब है कुमारी का मतलब है ग्वार पाठा, जिसको घी कुमार बोलते हैं जो, और जिसको एलोवेरा बोलते हैं, स्वामी रामदेव जी ने एलोवेरा पूरी दुनिया में जो पॉपुलर कर दिया जो है, उस एलोवेरा के रस में यदि आप कोई चीज बनाते हैं है ना, वो बहुत जल्दी बनती, शायद वो पणी ये रस के लिए कहा है, पारद के लिए कहा गया ऐसा मुझे लगता है, तो वह बहुत जल्दी बनता है, इस तरह का वर्णन ये पारिभाषिक शब्दावली आयुर्वेद ग्रंथों की है। तो प्रत्येक शास्त्र की अपनी पारिभाषिक शब्दावली होती है, ऐसी वैदिक पारिभाषिक शब्दावली भी है, ये हमको विचार करना चाहिए। इसलिए इन तर्कों के आधार पर, इन युक्तियों के आधार पर, इन प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि मांस मनुष्य का भोजन नहीं है और न हो सकता है। प्राकृतिक दृष्टि से मनुष्य शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है, ऐसा वैदिक संहिताओं में पदे पदे दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि मांसभोजी जीवों के शरीर से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है जिसको सूंघकर दूसरे प्राणी उसको देखते ही भागने लगते, जैसे शेर भेड़िया चीता आदि को देखकर दूसरे प्राणियों को भागना पड़ता है। यदि मनुष्य मांस भोजी जीव होता तो मनुष्यों को देखकर दूसरे प्राणियों को भाग जाना चाहिए था जो ये, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य का भोजन मांस नहीं है, वेद परमात्मा की सार्थक वाणी है, अतः अव्यवहारिक और अप्राकृतिक वर्णन वेद में नहीं हो सकते। चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से मनुष्य दृष्टि से भी मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, जो मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, क्योंकि मनुष्य की अंतड़ियां 33 फुट लंबी हैं तथा घुमावदार हैं, जबकि मांसाहारी जीवों की अंतड़ियां उनके शरीर की लंबाई से केवल 3 गुना अधिक है। घुमाव तनिक नहीं और सीधी थैली सी है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए चूंकि मांस जल्दी सड़ता है, अतः बैक्टीरिया द्वारा रक्त प्रवाह में मांस के सड़ने से जहर घुल जाने से पूर्व ही उसे पचाना और बाहर निकाला जाना आवश्यक होता है। इसलिए परमात्मा ने उनकी आंतें छोटी बनाई ताकि मांस सड़ने से पूर्व ही पच जाए और बाहर निकल जाए, परंतु उसके विरुद्ध गैर मांसाहारी अर्थात शाकाहारी प्राणी जल्दी सड़ने वाला भोजन नहीं खाते, इसलिए उनका पाचन तंत्र अधिक लंबा
घुमावदार होता है, जो शाकाहारी भोजन को धीरे धीरे पचाने के लिए, इसलिए भली प्रकार से समझना चाहिए कि मानव का शरीर मांस खाने के लिए अनुकूल कदापि नहीं है, और हमारे द्वारा मांस खाना अप्राकृतिक तथा खतरनाक दोनों ही है। वेदों में मानव शरीर संरचना की दृष्टि से ही भोज्य पदार्थों का वर्णन है, फल शाक सब्जी कंदमूल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वेजिटेरियन फूड आदि मानव के लिए, मानव के शरीर की संरचना की दृष्टि से परमात्मा ने नियत किए हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा एतद अन्नम अधि। इसलिए ऐसे ही और भी बहुत सारे प्रसंग है, राज्याभिषेक के प्रसंग में अथर्वेद के अंदर राजा वही हो सकता है जो भूतो भूतेषु पयादगति स भूतानाम अधिपति बभू है, कि कौन होता है जो रोटी कपड़ा और मकान देने में सक्षम होता है वही राजा हो सकता है। वहां रोटी कपड़ा और मकान आज की लौकिक भाषा में कहूं, वहां मांस की कहीं चर्चा नहीं है, वहां पय की चर्चा है, और पय जो है वो संपूर्ण भोजन का प्रतीक है। तो इस तरह के प्रसंग है, भूमि सूक्त है अथर्वेद का, उसमें भूम्या मनुष्य जीवन की स्वयान मर्त्या, मनुष्य को वहां अन्न कहा गया और अन्न को स्वधा कहा गया है, जो मनुष्य को धारण करने वाला है। वेद के अनेक मंत्रों के अंदर घृतेन तन्वम वर्धस्व, कि घी से अपने शरीर को बढ़ाए, और घी किसको बोलते हैं, घी दूध से प्राप्त होता है, मांसम तन्वेन वर्धस्व ऐसा नहीं कहा जो है। इसलिए ये वेद जो है वो शाकार के पोषक है, जो ये इस तरह की आपका माइक म्यूट हो गया है आचार्य शास्त्री जी, माइक म्यूट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया वो। डॉक्टर दास मैम अब समापन की घोषणा करें, कनेक्ट हो गया है। हाँ अब समापन की घोषणा करें, वो अभी कर देते हैं उसका, अगर आएंगे तो ठीक है। अभी हम लोग व्याख्यान सुन रहे थे डॉक्टर दिनेश चंद शास्त्री जी का, और उनका विषय था वेदों में मांसाहार और पशु हिंसा से संबंध भ्रांतियों का स्पष्टीकरण, और हमने देखा कि वो एक सच्चे शोधकर्ता हैं, उन्होंने बताया था कि उन्होंने 28 PhD कराई है, और एक शोधकर्ता की तरह, शोधार्थी की तरह उन्होंने प्रमाणों के साथ लंबी व्याख्या की, अथर्वेद यजुर्वेद इत्यादि के अनेक उदाहरण दिए, और ये सिद्ध किया कि द्विपदे चतुष्पदे के प्रति निश्चित आदेश है वेद का, क्योंकि हिंसा नहीं की जानी चाहिए, मां हिंसी, और ये घृणित कर्म है, मान को करना एक घृणित कर्म है, और जो इसको खाता है वो घृणित राक्षस कहलाता है। इस तरह की बातें की, और ये भी बताया जो कि बहुत याद रखने योग्य है कि वेद का हम अर्थ करें तो समष्टि में देखना चाहिए, और अगर हम आगे पूर्वा पर प्रसंगों को जोड़ते हुए अर्थ निकालेंगे, बहुत उन्होंने उदाहरण दिए शब्दों को और समझाया कि कैसे अर्थ निकलना चाहिए, और हठ योग प्रदीपिका का भी उदाहरण दिया कि कैसे उन्होंने अर्थ का स्पष्टीकरण किया। तो एक बहुत ही गहरा शोध परक व्याख्यान था ऐसा मैं मानती हूँ, और ये तो हम सब लोग जानते ही हैं कि ये दोनों चीजें वेदों में निश्चित हैं, अर्थ मतलब ही नहीं बनता कि ये होगा, और जो शब्द हैं उनके अर्थ कुछ और होंगे, जब उसे अग्निया कह रहे हैं, अध्वर कह रहे हैं, यज्ञ को ही वो अध्वर कह रहे हैं, तो इस तरह से बड़े सारे शब्द हैं जिनका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, किया जाना चाहिए, और प्रमाणों के समेत हमें कोई भी बात बोलनी चाहिए, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलनी है। वेजिटेरियन फूड जैसे उन्होंने बात की, हमें कौन कौन सी चीजें वो खाते थे उसका पता लगाना है, यव है, धान है, धना है, अन्न है, ऐसे अनेक शब्द हैं, पितु है, तो इन सब शब्दों का अर्थ क्या है, उनका तात्पर्य क्या है, और मधु था, दूध था, सोम था, तो हमें सही अर्थ तरह से रिसर्च करना है, शोध करना है। मुझे लगता है एक गीता है, और इसी के साथ
भी अपनी बात को समाप्त कर रही हूँ और निवेदन करती हूँ डॉक्टर दास जी से कि शांति पाठ के साथ इस कार्यक्रम को मैं कुछ कहना चाहता हूँ डॉक्टर जी, डॉक्टर शशि जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा हेलो, आप कौन? मैं डॉक्टर विवेक आर्य बोल रहा हूँ। अच्छा दिल्ली से, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बताए, मेरा बेटा छठी कक्षा में पढ़ता है, सिक्स क्लास में, और उसकी एनसीईआरटी की जो बुक है हिस्ट्री की, इतिहास, उस किताब के अंदर वेदों के विषय में जो बात लिखी है वो हमारे प्रतिकूल है। आज जिस विषय पे चर्चा हुई है उस विषय से बिल्कुल अलग है। अब सिक्स क्लास के मेरे बेटे को मैं इस तथ्य को बताता हूँ कि ये गलत लिखा है, तो वो मेरे अनुरोध पर मेरी बात मान तो लेता है, पर उसके उसकी कक्षा में पढ़ने वाले बाकी अन्य छात्र और दिल्ली में पढ़ने वाले हजारों बच्चों को और देश में पढ़ने वाले लाखों बच्चों को इस तथ्य से कौन परिचित करवाएगा? इस विषय का हमें कितनी मर्जी गोष्ठी कर ले, हम कितनी थीसिस करा ले, मगर जब तक हमारे करिकुलम में, सिलेबस में हम ये चेंज नहीं लाएंगे कि ये बात गलत पढ़ाई जा रही है, ये सिक्स क्लास के बच्चे के दिमाग में ये बात बिठा दी जाती है, आप उसको कैसे निकालेंगे? और ये बड़े होकर इन बच्चों के मन में वेदों के प्रति जो आस्था है वो समाप्त हो जाती है। मैं इस विषय की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ, यानी कि पेड़ों के पत्तों को पानी देना बंद कीजिए, अब जड़ों पर प्रहार कीजिए। हमें 140 साल हो गए ये बात कहते हुए कि वेद में पशु बलि नहीं है, वेद में यज्ञ के अंदर मांसाहार नहीं था, अश्वमेध में घोड़े की बलि नहीं दी जाती थी, ये बात कहते हुए 140 साल हो गए। स्वामी दयानंद के वेद भाष्य सही कह रहे हैं, आप समझ गए हम लोग सारी बात, हम खड़े कहां पे ही है। और हम लोग बच्चे थे, हमें भी यही पढ़ते थे 140 क्योंकि पिछली भी यही पढ़ा, अभी भी यही पढ़ रहे हैं। और हम जब संस्कृत में आते हैं या वेद को पढ़ने लगते हैं तभी हमें इसका पता लगता है। तो ये विडंबना है, इसीलिए इस तरह की संस्थाओं का महत्व है जो अलग से उन्हें समझाएं और ये बात बताने की कोशिश करें। और सौभाग्य से हमें संयोग है हम लोगों का कि कई संस्थाएं हैं जो इस तरह के कार्य कर रही हैं, तो हम उनके द्वारा करें और क्या कह सकते हैं, यही एकमात्र इसका निदान। जो डॉक्टर उठाई है ना, उसको हम सीरियसली लें, ये कोई छोटी बात नहीं है। और वेद संस्थान को मैं कहना चाहूंगी, अध्यक्ष जी को पर्टिकुलरली, कि वो कुछ या तो हस्ताक्षर कंपेन करें और दूसरे एसोसिएशन को अपने साथ मिलाएं, और इस तरह हम एनसीईआरटी पर जाएं या और जो मंत्री हैं शिक्षा मंत्री उन तक जाएं और इस बात को रखें, हमें रखना चाहिए, अन्यथा वेदों का जो प्रभाव है वो अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। जैसा उन्होंने कहा कि हमारी जड़ों को खराब कर रहे हैं, वो इसमें कोई शक नहीं है। बच्चे अगर इस तरह का सुनेंगे तो, या और भी लोग सुनेंगे, तो वेदों का दुष्प्रभाव तो जनता पर होगा ही होगा, तो इसे हमें मिटाना ये हमारा कर्तव्य है। उर्मिल जी, एक बात मैं कहूँ, एक बात मैं कहूँ आपको कि उर्मिल जी, अभी अभी एनसीईआरटी पे मैंने जी न्यूज, जो मेरे मोबाइल पे न्यूज आती है, उसमें मेरे को न्यूज आई थी कि एनसीईआरटी के जो पहले वाले अध्यक्ष थे वो कोई मुसलमान थे, जिन्होंने हमारे एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर काफी चेंजेस करवाए और हमारे हिंदू ग्रंथों के बहुत सारे तथ्यों को उन्होंने मुस्लिम में कन्वर्ट करके ऐसा कुछ किया था। तो अब अभी क्या कहते हैं, बीजेपी ने इन्होंने चेंज करके वहां पे अब कोई किसी अच्छे से किसी विद्वान को बिठवाया, तो इससे भी क्या कहते हैं, लेकिन हम सबका संयुक्त वहां पे उनसे वार्तालाप करना भी जरूरी है, जैसे आपने कहा, क्योंकि जब तक हम उनको नहीं कहेंगे तब तक काम नहीं चलेगा जी। मैं एक प्रपोजल देना चाहता हूँ कि एक डेलीगेशन हमारी तरफ से जाए जो कि एचआरडी मिनिस्टर रमेश निशंक पोखरियाल जी से मिले और इस बात को उनके सामने दृढ़ता से रखे। जब तक आप इस तरह के से नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं बन सकता। जन जागृति का आंदोलन सुझाव है कि डॉक्टर दिनेश चंद्र शास्त्री का जो इतना महत्वपूर्ण पेपर जो उन्होंने प्रेजेंट किया वो एचआरडी मिनिस्टर के सामने प्रस्तुत किया जाए और उन्हें किसी प्रकार से हम कन्विंस कर पाए कि ये हमारे जो सिलेबस है स्कूल्स का, कॉलेजेस का, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। और उसमें मैं समझता हूँ कि अगर डॉक्टर दिनेश चंद्र शास्त्री लीड कर सकें और अभी हम किसी प्रकार से उन्हें हम जोड़ सकें,
दास जी किसी प्रकार से उन्हें आप स्टेज पे लाइए और उनसे हम बात करना चाहते हैं। कुछ और प्रश्न भी रह गए हैं कुछ लोगों के, अग्निहोत्री जी का प्रश्न था और मैं अश्वमेध के बारे में मेरा भी प्रश्न था, अगर वो जुड़ सके तो उन्हें ऑनलाइन लाइए, फोन करते हैं। शशि जी उसके लिए जन जागृति का आंदोलन जरूरी है। आपको फोन पे सब लोग याद कर रहे हैं, आपको फोन करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस विषय पर हम लोग विचार करते हैं। ये उठी आवाज है, आप लोग सुन सकते हैं। हाँ, बड़ी देर से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश शास्त्री जी फोन पर बोल रहे हैं, नहीं सुनाई देगा, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आएगी। हाँ शक्ति जी आपसे बात कर सकते हैं? नहीं आवाज नहीं आ रही। ठीक है, नहीं ऐसा तो, करते हैं उन्हें कहें मीटिंग ज्वाइन करें, कार्यक्रम हो जाए, कल समापन तो है, कह रहे हैं उसके बाद मैं, मुझे स्वीकार है जो आप लोग कह रहे हैं, मैं चल सकता हूँ। उसके बाद किसी दिन इनसे विशेष बैठकर चर्चा की जा सकती है कि इसको कैसे लीड किया जाए। उन्हें ये भी तो कहिए कि अपना वो व्याख्यान तो पूरा एक एंड तक लेके जाएं। मैं ये लिखित भेज दूंगा आपको, उनसे तो कह दें ये संस्थान तो अलाउ नहीं कर रहा टाइम। चलो ठीक है, आप फिर कहते हैं उनका, लेकिन फिर भी करते रहना चाहिए जागृति के लिए। हाँ क्योंकि जरा भी बैठने का अवसर नहीं है, कोई ना कोई आंदोलन कुछ ना कुछ होते रहे तो दूसरों को दिखाई देता है। फिर शाब्दिक अर्थ है ना, शाब्दिक अर्थ में तो फिर गड़बड़ होगी। प्रशंसा की आपकी कुछ बातें बहुत अच्छी लगी, पूर्वापर और समष्टि वाली और कई उदाहरण आपने दिए जो आपका कट गया। उनसे कहिए कि पीडीएफ पीडीएफ समूह तक कम से कम पीडीएफ तो समूह में डाल सकते हैं। ठीक है ठीक है, रखना पीडीएफ का। धन्यवाद कर दो सबकी, सब श्रोताओं की तरफ से भी उनका धन्यवाद कर दो। धन्यवाद आपको, थैंक यू वेरी मच आप सब, आज के विद्वान जी का धन्यवाद। मेरे इस पर की कोई बात हो जो इसमें न्यूनता लगी हो तो वो भी जरूर बताएंगे, इससे मैं ठीक कर लो इसको। अवश्य, तो आज का सत्र समाप्त करते हैं और उनको साफ हो ठीक करने के लिए तो मुझे जी को जल्दी है समाप्त करने की जल्दी है राज जी को, तो बड़ी देर से लोग प्रतीक्षा में हैं। शास्त्री जी ने लोग तो जाना नहीं चाह रहे अभी, शास्त्री जी ने आखिर में पंक्ति बढ़िया कही है, लोग अभी जुड़े हुए जाना नहीं चाह रहे, अभी डिस्कस करना चाह रहे हैं। अनुराधा समाप्त करने दो प्लीज। शास्त्री जी ने आखिर में एक पंक्ति कही, हमें आज स्मरण करके जाना है, धृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्व, धृतेन तन्वं वर्धयस्व नहीं, घी से दूध से मक्खन से, धृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्व, घी बनेगा जब दूध होगा, जब दही होगी, मक्खन होगा, तो ये पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, तो इसी को हम वेद का उपदेश है। आजकल डॉक्टर कहते हैं घी मत खाओ। नहीं, घी यहाँ उपलक्षण है, घी तब बनेगा जब दूध होगा आपके पास। हाँ, अब जब दही होगी और जब आपके पास पनीर होगा तो ये घी केवल उपलक्षण है, तो ये हम लोग समझते हैं संस्कृत जो पढ़ने वाले हैं। जैसे अभी कहा कि हे दांत तो ये काम करो, यहाँ से उपलक्षण से अर्थ निकला, हे दांत रखने वाले प्राणियों आपको ये चीज भक्षण करने चाहिए, इसकी मर्यादा होती है। आइए शांति पाठ करते हैं, सभी का सहयोग रहा और विचार जो है उसको सक्रिय बनाते हैं। एक सूचना भी है शांति पाठ से पूर्व, कल वेद संस्थान का समापन सत्र है, उसमें उर्मिल मैडम जी का व्याख्यान होना है,
मैडम जी वेद संस्थान की निदेशिका है और बढ़िया ही विषय उनका है भारतीय संस्कृति के महत्व। तो इस तरह विषय पे बहुत कुछ हमें मिलने वाले हैं, तो आप समय पे आइए। आशा करते हैं कल समय पे इस सत्र को समाप्त करेंगे। आइए शांति पाठ करते हैं। और समय थोड़ा डिफरेंट है, कल का समय थोड़ा डिफरेंट है, 4:30 बजे स्टार्ट है, 5 की। हाँ, कल धन्यवाद जी, कल पुरस्कार का भी वितरण है, तो क्षमा चाहता हूँ, कल समय जो है 4:30 से 6 बजे तक, और समय का आप ध्यान रखें। और उर्मिल मैडम जी को 40 मिनट तक हमें सुनना है, और रोचक व्याख्यान है हमारे भारतीय संस्कृति के जो बिंदु है, जो महत्वपूर्ण उपदेश है, उनको सुनने का। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षम् शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन आप सभी लोगों को, सब प्रेम नमस्ते। हमारी आर्य संस्कृति जीवित रहे और आप सभी स्वस्थ रहें, यही कामना है। ओम।